आप हाँ, मेरी नागेंद्र आवाज आवाज सुनाई आवाज पड़ आ रही रही शिवा जी? ठीक है? हाँ एकदम आ रही है। अब ठीक है, अब ठीक है। है, वेलकम टू दिस वीडियो कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर अभी 4-5 लोग हैं, धीरे धीरे लोग ज्वाइन भी करते हैं, जी लेकिन हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दो टाइप के ऑडियंस होते हैं, एक तो जो वीडियो पे दिखाई पड़ रहे हैं जी और दूसरे होते हैं जो कि केवल पैसिवली सुनते हैं, जैसे जी कि टीवी ब्रॉडकास्ट में होता है। जी तो और ये यूट्यूब पर भी लाइव होता है अच्छा और बाद में ये रिकॉर्ड भी होते रहता है। तो वन कैन मेक इट अवेलेबल एट लेटर स्टेज। तो थोड़ा हम लोग एडिट कर देते हैं कुछ पोर्शन जो कि रेलेवेंट नहीं, निकाल देते हैं टू मेक जी इट शॉर्ट। जी जी तो इसमें एक लेकिन ये है कि जहाँ भी कोई हो दुनिया भर में, कहीं से भी ज्वाइन कर सकता है। अच्छा तो 4-5 बार हम लोगों ने किया है। तो धीरे जी धीरे अभी लोग को थोड़ा टेक्नोलॉजी समझने में टाइम लग रही है, जी लेकिन इसी तरह से जुड़ते रहें तो बहुत बढ़िया फीचर है ये तो। हाँ। तो अब चूंकि तुम आईटी सेक्रेटरी हो और नेत्रहाट में आईटी का बहुत ज़रूरत भी है, तो इनफैक्ट जो तुमने लास्ट मेल भेजा था दैट वाज क्वाइट रिलेवेंट। और हम लोग आशा करते हैं कि, तो एक्चुअली पहले तुम बोलो, तुम जो बोलना चाहते हैं, फिर हम लोग जो पूछना चाहेंगे वो पूछेंगे। मतलब हम लोग का जैसे आपने देखा होगा, हम लोग का मेल कई फ्रंट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला फ्रंट तो है नेतरहाट में इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट का, जिसमें रोड हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, वाटर सप्लाई हुआ, इन सब पे काम कर रहे हैं। रोड एक बार बीच में बनी थी, लेकिन सिंगल लेन रोड थी, तो उसको डबल लेन रोड बनाने के लिए कार्य चल रहा है, जिसमें हमें कुछ फॉरेस्ट लैंड डाइवर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। वो एक यहाँ सिंगल लेन का घाटी घाटी का पोर्शन, मैं जब गया था जी तो नहीं थोड़ा लगभग डबल लेन था, कुछ कुछ जगह पर प्रॉब्लम था नहीं, थोड़ा। उसमें जो घाटी का पोर्शन है जिसमें एक साइड पहाड़ है, वहाँ पे थोड़ा पहाड़ काट के नाली बनाने की आवश्यकता है, ताकि सड़क पे पानी पानी नहीं बहे और वो रोड का डैमेज नहीं करे। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नीड है, उसको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो अब मेरे ख्याल में वो एस्टीमेट वगैरह भी अप्रूव्ड हो गया, टेंडर भी उस पर कॉल फॉर हो गया है, तो होपफुली वी शुड सी दी बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट इन सम इन अबाउट अ ईयर टाइम। दूसरा है सर वाटर सप्लाई का। वाटर सप्लाई का जो पहले से स्कीम था, पुराना था और इस जगह जगह पे क्लॉग था, तो नया वाटर पाइपलाइंस ले हो रहा है, तो वो वो लेक झील से। झील से। तो तीसरा था सर पावर सप्लाई का। तो पावर सप्लाई में एक तो वहाँ पे सब स्टेशन बन रहा है, पहले ये बनारी में सब स्टेशन था और उसके बाद से वहाँ से पावर लाइन खींची हुई थी, तो नेचुरली उसमें बीच में भी कहीं से पावर लाइन डिस्टर्ब हुई तो उसका इफेक्ट होता था। फिर ट्रांसफार्मर से दूर, सब स्टेशन से दूर रहने के कारण से वोल्टेज ड्रॉप काफ़ी होता था। अब नेतरहाट में ही उसको सब स्टेशन बना के दूर करने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद एक आपने अच्छा, हमारा मेल देखा होगा कि जो सोलर पावर है, सोलर का हाँ, तो वो 213 किलोवाट का ग्रिड, सोलर फोटोवोल्टेइक ग्रिड पावर सैंक्शन हुआ है, तो होपफुली उससे भी इम्प्रूव होना चाहिए। 5 करोड़ 75 लाख की स्कीम है, ये करीब 6-8 महीने में इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तो उससे राइट। कम से कम बिजली की आपूर्ति कोई बहुत मेजर इशू नहीं रह जाएगी, क्योंकि उसमें एलईडी लगा के अच्छा सफिशेंट लाइट्स हो जाएगा। उसी सोलर का एक और प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, वो है आपका वहाँ पे सोलर सोलर थर्मल थर्मल वाला, थर्मल तो थर्मल से भी वहाँ जो नहाने वाने के लिए पानी है, किचन के लिए पानी है, वो उपलब्ध हो जाएगा। ऑडिटोरियम और ये सब चीज़ें हैं, ये भी हुई हैं। टीचर जहाँ तक टीचिंग ऑडिटोरियम तो रेडी हो गया होगा ना लगभग। रेडी हो गया सर, थोड़ा एकॉस्टिक्स वगैरह का प्रॉब्लम है, उसको अटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा, अपना गेस्ट हाउस ही बन गया है अब वो टीचर्स रेडी हो के। गया, गेस्ट हाउस रेडी हो गया है। हाँ, गेस्ट हाउस रेडी हो गया है, गेस्ट हाउस की तो कैपेसिटी कितनी मेरे ख्याल में 4 कमरे हैं, होगी? 6 या 4 कुछ, चार या छह छह शायद कमरे हैं। था, हाँ वो है, तो 4। ये रेडी हो गया है। टीचर्स की जो कमी थी उसके लिए एडवर्टाइजमेंट इनवाइट कर लिया गया था, स्क्रूटनी का काम पूरा कर लिया गया है, अब सिलेक्शन का एक्सरसाइज पूरा होगा, स्टार्ट होगा, तो ये भी 1.5 से 2 महीने के अंदर ये काम पूरा होना चाहिए।
प्रिंसिपल का इसके बाद टेकअप करेंगे, और जहाँ तक क्लास थ्री क्लास फोर इम्प्लॉयज का, वो भी साथ साथ चल रहा है। तो एफर्ट्स कई फ्रंट पे चल रहे हैं, पर शुरू का काम थोड़ा बड़ा है, इस कारण से कोऑर्डिनेटेड वे में कोशिश हो रही है। सब कुछ एक साथ होता हुआ नहीं दिखता, बट फ्रंट्स काफ़ी फ्रंट्स पे काम चल रहा है। अभी सर जो अभी हम मैंने जिसके लिए आपको 11 नवंबर को मेल भेजा था, ये था कि हमारे नेताहाट के लोग काफ़ी आईटी फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। अब अगर हम लोग को नेताहाट स्कूल को आईटी से जोड़ के वहाँ पे एकेडमिक और बाकी जो स्टैंडर्ड्स है इम्प्रूव करना है, बच्चों का नॉलेज इम्प्रूव करना है और उनको नई टेक्नोलॉजी नए नॉलेज से जोड़ना है, तो आईटी को बड़े पैमाने पर अपनाना होगा। स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए पैसा खर्च करने को तैयार है, बट नए कॉन्सेप्ट्स, नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज की बहुत ज़रूरत है। इसमें जो हमारा नोवा डायस्पोरा है, दैट कैन हेल्प अस इन अ बिग वे। ये हम लोग, मैं उसके लिए मैंने तुमको मेल में जवाब भी दिया था, काफी जी इंटरेस्टेड भी होंगे जी जी, तो उस पॉइंट पर आते हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत कुछ कहना भी है उसमें जी जी, जी। और भी कुछ पॉइंट ऐड करना चाहो तो ऐड करो, फिर हम आई थिंक वी कैन कीप ऑन। तो लास्ट पॉइंट ले पहले, क्योंकि बाकी सब तो प्रोग्रेस हो रहा है। जो एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम अभी हो रहा है कि फैकल्टी और टीचिंग स्टाफ की शॉर्टेज हो रही है, तो नेचुरली यूज ऑफ आईटी और आईसीटी जो है वो काफ़ी प्रिवलेंट हो रहा है, सो दैट वी कैन शेयर रिसोर्सेज अक्रॉस, यू नो द डिस्टेंस शुड नॉट मैटर, यू शुड नॉट बी फिजिकली प्रेजेंट टू डू दैट। क्योंकि किसी को मान लो अभी मुझको एक घंटा पढ़ाना होगा नेताहाट, हम पढ़ा देंगे घर बैठे हुए, हम जैसे हम लोग बात कर रहे हैं जी जी, तो हम पढ़ा दें तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीबॉडी जी। तो हम नोवा कम्युनिटी को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो है कि टू प्रोवाइड राइट काइंड ऑफ एडवाइस इन हाउ टू डेवलप आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा जो नोवा का जो नॉलेज बेस है इन डिफरेंट फील्ड्स इन डिफरेंट एरियाज, उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं नेताहाट के बेनिफिट के लिए, नेताहाट के बच्चों के बेनिफिट के लिए, इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड हेल्पिंग विद अदर थिंग्स। यहाँ तक कि कोचिंग का भी एक मेजर प्रॉब्लम रहा है जिसके कारण 11th 12th में बच्चे निकल जाते हैं, तो इफ वी आर एबल टू प्रोवाइड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसको भी कुछ हद तक हमको लगता है कि वी कैन गेट द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टू हेल्प इन दैट। आपकी सोच बिल्कुल सही है। मैं मतलब ये अल्टीमेटली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा उसका बेनिफिट तभी होगा जब कि हम लोग नेताहाट के पठन पाठन में जुड़े, और जिस प्रकार से नोवा मेंबर्स ने अपने फील्ड्स में एक्सेल किया है, इट शुड बी अ एक्सेलेंट वे टू कंट्रीब्यूट। राइट राइट, तो एक तो पॉइंट हो गया। तो उसमें जो तुमने बताया कि पावर सेक्टर में काम हो रहा है, वो एक मेजर रिक्वायरमेंट थी। दूसरा जो आईटी स्पेशली, तो एक तो नेताहाट में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो थोड़ा आसान है काम, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पुटिंग मनी, तो वहाँ पर तो हो जाएगा, ये पावर रहता है तो बाकी दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने 2004 में स्टार्ट किया था कंप्यूटराइजेशन, सॉरी 2003 में जी, जब हम लोग पर्सनली कलेक्टर के पैसा में गया था, पर्सनली गया था, उसके बाद फिर दिल्ली नोवा ने वीसेट सेटअप करवाया, तो कुछ कुछ स्टार्ट हुआ था उस टाइम से। बाद में फिर गवर्नमेंट के सपोर्ट से भी कंप्यूटर आया, यूएस से नोवा ने भी एक शिपमेंट भेजा था सेकेंड हैंड, तो उस टाइम से स्टार्ट हुआ लगभग 10 साल पहले। और मैंने ये देखा कि बच्चों में, और इनफैक्ट आई वाज लकी टू एक्चुअली टीच टीचर्स, मैं और मेरे स्टूडेंट हम लोगों ने जाके श्रीमानी जी को पढ़ाया कंप्यूटर कैसे होता है, सो इन दैट सेंस यू नो इट्स रेयर अपॉर्चुनिटी। और उसमें टीचर्स नहीं, जो उनकी माता जी सब थी, सब लोग आई हुई थी, तो इट वॉज लाइक ए ग्रेट फेस्टिव ओकेजन जब सब लोग एक साथ बैठ के सीख रहे थे जी। और यहाँ तक कि मैं LCD प्रोजेक्टर ले गया था, मैं सोचा था कि उसको कंप्यूटर पढ़ाने के लिए यूज होगा, लेकिन पहला काम उसका ये हुआ कि उसके जरिए 17 साल बाद सिनेमा दिखाया गया जो कि बंद हो गया था। वो जो पहले हम लोग के टाइम, तुमको याद होगा कि वो फिल्म आती थी रांची से रील वाली, तो और मैं तो नालंदा आश्रम में था,
जी वो घाटी की आवाज सुनाई पड़ती थी, बस की आ रही है, तो हम लोग दौड़ के भागते थे। तो वो सब बंद हो गया था। जी और थैंकफुली मैं जब पहुंचा उस समय जस्ट 12 दिसंबर था और परीक्षा खत्म हो गई थी, बच्चे वेकेशन में जाने के लिए वेट कर रहे थे, तो लोग फ्री थे। तो बागवान मूवी की सीडी थी वहां पर, बाय चांस तो बागवान दिखाया, अच्छी मूवी थी। तो इट वॉज ए मेमोरेबल ओकेजन, क्योंकि सब लोग एक साथ बैठकर फिर उसका उसी प्रोजेक्टर से लेके सब एक साथ कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो इट ब्रॉट ए डिफरेंट थिंग, यहाँ तक कि मैं डिजिटल कैमरा जो दिया, स्कैनर दिया, इट बिकम पार्ट ऑफ प्लेटो कल्चर। मतलब किसी का बर्थडे हो, किसी का कुछ हो, सब कुछ में यूज होने लगा। तो कल्चरल जो टेक्नोलॉजिकल एडाप्टेशन है, ये मैंने देखा बहुत फास्ट था। एक साल बाद जब हम लोग गए गोल्डन जुबली में, तो देखा कि ड्रामा में उसी प्रोजेक्टर को लेके, उसी डिजिटल कैमरा को लेके, जो बैकड्रॉप पे हम लोग पेंटिंग करते थे, पेंटिंग के बदले उन्होंने प्रोजेक्टर यूज करके उसको एक मूविंग बैकड्रॉप बना दिया, वीडियो क्लिप वगैरह करके। तो इट बिकेम वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई सॉ दैट विद स्मॉल एफर्ट वन कुड यू नो ब्रिंग अबाउट अ मेजर चेंज। तो अभी पावर यदि इम्प्रूव हो जाता है और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ, तो थर्ड पॉइंट जो है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है उस पर फोकस करना पड़ेगा। उसमें जो अभी जो लिंक है वो एक जो फाइबर ऑप्टिक लिंक बीएसएनएल की गई हुई है, वो रोड के अलोंग, शायद अभी मालूम नहीं एग्जैक्ट स्टेटस, लेकिन रोड के साथ साथ वो पेड़ों पर लटकाए गए हैं। तो क्या होता है कि एक पेड़ टूटा या कुछ हुआ तो वो ब्रेक कर जाता है और हम लोग फिर इन वो। सारी चीजों को अटेंड करेंगे। अभी जैसे कि गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है जिसको नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बोलते हैं, तो नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में सभी पंचायतों तक ले जाया जा रहा है। तो नेतरहाट से रिलेटेड जो भी पंचायत होगी उसमें फाइबर ऑप्टिक अवश्य जाएगा और उससे हम लोग लिंक ले लेंगे। तो अब स्कूल के लिए सेपरेट फाइबर मिल जाना चाहिए। और दूसरा फिर हम लोग को ये भी सोचना चाहिए, चूंकि मैं इसलिए मैंने इस इशू को नोबा के लिए उठाया था, क्योंकि अगर हम लोग उससे वायरलेस इंटरनेट पूरे प्लेटों पे दे सकें, तो अभी जो सेंट्रलाइज्ड सिर्फ स्कूल कैंपस में है वो सभी आश्रमों में उपलब्ध हो जाएगा। वो तो एक्चुअली टू बी फ्रैंक वो मैंने 2003 में ही बात की थी, उस टाइम ही हम लोग तैयार थे देने के लिए। थोड़ा सा उस समय स्कूल से ही उस पर रेजिस्टेंस हुआ था, उनका उनका ये कहना था कि बच्चे उस पर फिर ज़्यादा टाइम बिताने लगेंगे और उनको लगा कि शायद स्कूल का जो बाकी सिस्टम है उसमें शायद डिस्टर्ब हो। तो उस समय वो लोग तैयार नहीं थे, लेकिन हम लोगों ने प्लान उस टाइम कर लिया था और कि हर एक आश्रम में, और हमारा ये प्लान था कि हर एक आश्रम में दो दो कंप्यूटर भी हम अवेलेबल करवा देते, और जो असेंबली जब पुराना था उसी को हम लोगों ने कंप्यूटर रूम बदल दिया था, और उस कंप्यूटर रूम के बगल में एक रूम था पीछे में, उसमें सर्वर वगैरह सेटअप किया गया था। तो हम लोग का वही से प्लान था कि पूरे प्लेटों पर वो नेटवर्क वाईफाई का कर देते। तो टेक्नोलॉजी वाइज तो कोई इशू है नहीं, टेक्नोलॉजी का कोई जिसको इशू नहीं है सर। इशू नहीं है, तो केवल और स्कूल को उसमें सहमत होना पड़ेगा कि वो क्या वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या चाहते हैं तो भी हमने ये भी कहा था कि हम उसको लिमिट कर देंगे जिससे कि बच्चे कुछ टाइम के लिए यूज करें, जाए तो स्कूल पॉलिसी जो भी हो, बट एट दैट स्टेज वो लोग थोड़ा सा उस पर नॉट विलिंग, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है लोगों को एडजस्ट करने, फर्स्ट टाइम दे वांटेड टू ऑल्सो सी, क्योंकि काफी ये रहता है कि अब गलत टाइप का मटेरियल लोग बच्चे देखने लगे, ये सब कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सब इशू था। बट टेक्नोलॉजी वाइज तो खैर तुम जानते ही हो, इसमें कोई सर दिक्कत। अब और भी जो डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि HRD आकाश टैबलेट्स वगैरह प्रमोट कर रही है, तो हाँ उस तरह के टैबलेट्स भी बच्चों को इंडिविजुअली बांटे जा सकते हैं विदाउट मच ऑफ ए कॉस्ट, राइट तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। हाँ इनफैक्ट मैं पर्सनली उस पर काम भी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन टैबलेट बेस्ड नॉट, अभी पटना में हमने अवेलेबल करवाया है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो चलता है विजय प्रकाश जी चलाते हैं और लोग इन्वॉल्व हैं, तो हाउ टू जो इंटरेक्टिव मीडियम टच स्क्रीन टैबलेट्स का है, उससे कैसे एडुकेशन में लर्निंग इम्प्रूव करें। और मेरा ज़्यादा फोकस रहा है लर्निंग डिसेबिलिटी जिन बच्चों की है,
सर प्लस स्पेशली जो डिसेबल्ड चिल्ड्रेन हैं उन लोगों पर फोकस मेरा रहा है, तो मैं काफ़ी लोगों को उस एरिया में हेल्प कर रहा हूँ। बल्कि मेरे पास अभी 4-5 टैबलेट अगल बगल में पड़े हुए हैं अलग अलग तरीके के, तो मैं उस पर मैं कंटिन्यूसली काम करते ही रहता हूँ। जी और मतलब तो जिनके जिनके हाथ पैर भी नहीं चलते उनको भी मैं काम करवा जी देता हूँ। इनफैक्ट जी अभी जस्ट बाई चांस आपको गढ़वा मैंने में देख एक बच्चा है, अच्छा गढ़वा में एक बच्चा है, बच्चा नहीं मतलब 20-22 साल का होगा, जिसके हाथ पैर दोनों नहीं चलते हैं क्योंकि एक्सीडेंट के कारण क्वाड्रिप्लेजिक हो गया है। तो उसको अच्छा हमने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस भेजा है उसको चलाने अच्छा के लिए। अच्छा अच्छा तो ये सब तो मैं करते ही रहता हूँ। तो उसमें उस अलोंग दैट लाइन यदि हमारा एक तो पावर है, दूसरा कंप्यूटर और जो नेटवर्क ऑन द प्लेटो है, थर्ड कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट, ये जी तीनों हो जाता है तो हमारे पास और भी आइडियाज हैं। मैं दो तीन शेयर करना चाह रहा हूँ। तो एक तो हो गया कि वी कैन ट्राई टू इन्वॉल्व हार्टियंस फ्रॉम डिस्टेंस, जिसकी हम क्वालिटी ऑफ टीचिंग और कंटेंट में इम्प्रूव कर सकें। सर दूसरा है क्वालिटी कंटेंट हम बच्चों को वहीं पर अवेलेबल करवा दे सकते हैं, जी जो जी कि सब्जेक्ट वाइज भी काफ़ी आजकल अवेलेबल हो रहा है। और अब जैसे CBSE बोर्ड है तो उसके हिसाब से भी लोग कंटेंट तैयार कर दे रहे हैं, जी तो जी वो तो वहीं पर स्कूल में ही स्टोर रहेगा, वहाँ का लोकल नेटवर्किंग हो जाए तो थ्रू दैट बच्चे देख पाएंगे। बिल्कुल तीसरा जो एक एंगल है, एक तो है कि 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टर्स आ गए हैं जी जी एट नॉट मच कॉस्ट। जी तो उससे होता है जैसे कि जो जैसे आजकल ये फ्रॉग, मान लो हम लोग करते थे कि कुछ ये इसको करते थे ना, डायसेक्शन कर फ्रॉग रहे हैं डायसेक्शन करते थे, तो वो सब जो ट्रेनिंग है वो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टर से आसान हो जाता है। और उसका एक और एंगल अभी हो गया है, इनफैक्ट आज ही शायद नरेंद्र मोदी ने अपने पोल कैंपेन में यूज किया है, जो वो एक जगह से वो भाषण दे रहा था और 4 सिटी में उसका 3 डायमेंशनल मॉडल जो अच्छा था वो अच्छा डिस्प्ले पर था। तो इट अच्छा वॉज एज इफ ही प्रेजेंटेड ऑल द 4 प्लेसेज एट द सेम टाइम। तो 3 डायमेंशनल होलोग्राफी से एक्चुअली यू कैन मेक एज इफ द टीचर इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द क्लास व्हेन ही इज ओनली एज अ वर्चुअल प्रेजेंस। जी तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो एक्चुअली नेत्रहाट को हम इंडिया के लिए रोल मॉडल बना सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, आप लोग सब लोग हैं वहाँ पर। तो वी कैन एज लॉन्ग एज पावर इंटरनेट और कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ये सब सब कुछ ला सकते हैं वहाँ पर, जिससे कि जो एजुकेशन क्वालिटी हो इट शुड बी बेस्ट इन द कंट्री, इवन इफ हमको लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर में कमी हो। तो दैट इज ऑल ऑल दिस इज पॉसिबल। सर, मैं ये कहूँगा कि मतलब जैसे आप एक इनिशियली कुछ थॉट्स पेन डाउन कर दें एंड देन वी कैन रिक्वेस्ट नोबाइट्स के उस पे उसको उस पे इटरेशन करके इम्प्रूव करें। सही है, ठीक है। इनफैक्ट आई विल शेयर वन मोर इन्फॉर्मेशन विथ यू। जी पब्लिक शायद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बट आई एम शिफ्टिंग टू दिल्ली। अच्छा और एक ऑर्गेनाइजेशन है टाइफैक, अच्छा टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट फोरकास्टिंग काउंसिल, राइट जो राइट कि इंडिया का जो विजन 2020 बना था, डॉक्टर कलाम जी के साथ जी जी इन्वॉल्व थे, तो जी 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 उस टाइम कलाम उसी के चेयरपर्सन थे 10 साल तक, जब तक वो प्रेसिडेंट नहीं बने, जी जी तो जी उसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हुआ था। तो मैं उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन के जा रहा हूँ। बधाई हो सर। तो थैंक यू। तो वो अभी अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट में फाइल गई हुई है, अच्छा वहाँ से अप्रूव हो जाने के बाद फिर मैं बाय एंड ऑफ दिसंबर आई शुड बी शिफ्टिंग देयर। जी तो जी हमारा काम ही है कि कंट्री के को कैसे जो टेक्नोलॉजिकल गैप है और फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल क्या रिक्वायरमेंट्स है और विजन टेक्नोलॉजी की जी उसको डेवलप करना है। तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ माई बिल्कुल प्रोफेशनल वर्क टू लुक एट सच टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और नेत्रहाट इज ए गुड एग्जाम्पल फॉर दैट, बिल्कुल क्योंकि एक तो रिमोट एरिया में है, प्लस बिल्कुल वी हैव टू नो इसका एक क्या बोलें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रहा है। सो जी हाउ वी कैन ब्रिंग द बेस्ट इन टेक्नोलॉजी टू जी इम्प्रूव एजुकेशन, वी बिल्कुल कैन टेक नेत्रहाट एज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स जी इन जी दिस जी रिगार्ड। बिल्कुल 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 तो सही आपका फिर कहना तुम लोगों के साथ हमको कोऑर्डिनेट करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम भी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रहेंगे, तो इट बिकम्स मच इजियर। मैं खाली एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, पैसा इज नॉट अ कंस्टेंट। सो राइट वाइल वी शुड लुक एट द इशू ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ पब्लिक मनी, बट वी आर इन अ पोजिशन टू इम्प्लीमेंट एज मेनी आइडियाज फॉर एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट एज पॉसिबल।
ये सर मैं आपको इस... सही है उसमें एक्चुअली। हाँ आई एग्री विथ यू, वी शुड नॉट, हम भी कॉस्ट के लिए कभी हम कुछ करते हैं तो पहले कॉस्ट नहीं थे, जो उसका जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जी वी शुड बी एबल टू फर्स्ट अचीव दैट। यदि हमको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो इम्प्रूव करना है नेत्रहाट में, उसको हम अचीव करते हैं, कॉस्ट कैन ऑलवेज बी ऑप्टिमाइज्ड लेटर जब हम उसको स्केल अप करते हैं। बट द बिल्कुल फर्स्ट 2-3 जो ट्रायल्स होंगे उसमें तो कॉस्ट का इशू ही नहीं है। इट इज बेसिकली वी हैव टू प्रूव इट अ पॉइंट दैट यस आर वी एबल टू गिव बेटर एजुकेशन। उसमें राइट एक और राइट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ जो कि नेत्रहाट के इन सम सेंस एजुकेशन सिस्टम में था, टू वर्क विथ हैंड्स। जो वहाँ पर हम लोग हाँ का धातु कला कृषि सब कुछ था, 17 अलग अलग सब्जेक्ट होते थे फर्स्ट में, बिल्कुल बिल्कुल उसका एक नया रूप हमको लाना पड़ेगा जो कि आजकल बहुत पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक हॉबी से रोबोटिक्स ये सब स्कूल में आजकल हो सकता है, बच्चे आसानी से कर सकते हैं, तो उसको भी हम लोग को वापस लाना पड़ेगा। उसमें टीचर्स को हमको थोड़ा सा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और ये सब बात मैंने पहले से भी की हुई है लेकिन रिसोर्स वगैरह के कारण प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब तुम लोग जब इन्वॉल्व हो, रिसोर्स की इशू नहीं है, और जैसे बिजली वगैरह सब इम्प्रूव हो जाएगा तो इट कैन बी इजिली डन। सो देन वी विल बी एबल टू ब्रिंग अप चिल्ड्रेन हु आर मच बेटर देन एनीबडी एल्स। तो फिर वहां पर लोगों का डिमांड बढ़ते जाएगा। इट शुड नॉट बी प्योरली टीचिंग बट होल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो नेत्रहाट का कंसेप्ट रहा है अब तक। तो ये सब तो मैं पॉइंट जो अभी बोल रहा हूँ ये सब मैं लिख भी दूंगा, जिससे कि तुम लोग पास कुछ है एंड देन वी कैन शेयर विद रेस्ट ऑफ द नोवा कम्युनिटी जी जी टू कमेंट ऑन दैट। एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जो हम लोगों ने नेत्रहाट विद्यालय का ये बायलॉज लिखा उसमें ये मेंशन किया था कि ये जो स्कूल है इट शुड सर्व एज ए रोल मॉडल फॉर अदर स्कूल्स एंड इट शुड आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचिंग थ्रू आउट दी स्टेट ऑफ झारखंड एंड चूंकि जो झारखंड सरकार के लिए लिख रहे थे झारखंड सर राइट तो इस समय जिम्मेवारी हमारे टीचर्स की ये भी होगी कि जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं उसमें भी इंडिविजुअल राइट थीम्स पे इश्यूज पे लेक्चर रिकॉर्ड करें और जस्ट लाइक एमआईटी जैसे अपने कोर्सेज अवेलेबल कराता है वैसे ही राइट हमारे टीचर्स भी कोर्सेज अवेलेबल कराएं इस क्वालिटी का हम लोग तैयार कर लें। सही है सही है। तो उसमें हम लोग को दोनों देखना पड़ेगा, एक तो वील हैव टू गो थ्रू क्वालिटी इंप्रूवमेंट विद इन द नेत्रहाट टीचर इटसेल्फ दैट्स टू राइट लुक सर एट कि जो कंटेंट है। क्योंकि अभी क्या होता है, जैसे ये हम लोग टाइम भी होता था कि जब टीचर क्लास में है तो नोबडी एल्स इज लिसनिंग टू इट अदर देन द बिल्कुल स्टूडेंट्स। अब बिल्कुल जब हम उसको वाइड स्केल पर करते हैं तो इट इज यू नो ओपन टू क्रिटिसिज्म ऑफ ऑल काइंड्स। बिल्कुल सो वन हैज टू गो थ्रू ए फेज जबकि हम उनको मॉनिटर करें एंड एंड वी मेक श्योर कि जो जो कंटेंट है इट इज एज थिंक जो प्रेजेंटेशन क्वालिटी है वो इम्प्रूव है। प्लस उसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लाते हैं तो उसके प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो जाता है, थोड़ा सो अलग दैट होगा वी कैन यू नो इट इज मोर इफेक्टिव। क्योंकि आप टीचर को पूरा देख नहीं पा रहे हैं। जी बिल्कुल मैं जो 3-डायमेंशनल होलोग्राफिक मॉडल की बात कर रहा हूँ उसमें तो क्या है कि वो टीचर नहीं भी प्रेजेंट है तो इट इज लाइक एज इफ टीचर इज प्रेजेंट। प्रेजेंट वो थोड़ा यस सा अलग टाइप का हो गया। जी 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 बट जो ये तो एडवांस कंसेप्ट है, लेकिन जो अभी जो नॉर्मली होता है उसमें काफी कुछ कर सकते हैं। सो दैट जो आप सही बोल रहे हैं कि जो टीचर्स का जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड करके वी शुड मेक नेत्रहाट एज सोर्स फॉर एडुकेशन फॉर एवरीबडी एल्स जी एटलीस्ट इन झारखंड इफ नॉट रेस्ट ऑफ द प्लेस। रेस्ट ऑफ द प्लेस प्रभात जी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा हाँ सुदर्शन आपके पहले पॉइंट से रिलेटेड है टीचिंग कंटेंट्स वगैरह से रिलेटेड। हमें कभी मौका तो नहीं मिला लेकिन आईआईटी कानपुर वगैरह के बारे में सुना कि जैसे डायग्राम वगैरह हमारे टीचर्स इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर्स भी 50 मिनट की घंटे में 20 मिनट तो डायग्राम ही बनाते रहते थे नेत्रहाट में भी ज्योग्राफी वगैरह में मैप बनाने में तो वो सब वो स्लाइड्स पे दिखा देते थे क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया का मैप दिखाना हुआ वर्ल्ड मैप दिखाना हुआ इस टाइप का कुछ भी है तो वो अगर करें तो काफ़ी टाइम बच सकता है और उतनी देर में टीचर कुछ और चीज़ भी पढ़ा सकता है। हाँ। तो एक्चुअली मैं चूंकि मैं तो पहले साइंटिस्ट है लेकिन 10 साल से प्रोफेसर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं इस पर अपडेट करना चाहूँगा। जो इफ यू गो बैक इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम रहा था कि पहले हम लोग ओरल ट्रेडिशन में थे, धीरे से हम लोग फिर बढ़ते गए तो चॉक एंड टॉक मेथड आया जबकि हम ब्लैक बोर्ड यूज करना शुरू किए, फिर आया ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आए। तो चॉक एंड टॉक जो तुम बता रहे थे जिससे कि हम लोग पढ़े हैं उसमें सही है कि एक लिमिटेशन थी उसकी, एक ड्राइंग करना है कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स लिखना है तो टाइम लगता था। फिर आया स्लाइड प्रोजेक्टर्स आया, तो स्लाइड प्रोजेक्टर में था कि ठीक है पहले से लिख लीजिए वो सब,
दिखा दीजिए, उसका भी लिमिटेशन था थोड़ा बहुत, बट फिर भी उसमें आप फोटोग्राफ डाल सकते थे कुछ. कंप्यूटर आया, सो नॉट ओनली यू कुड डू दैट, लेकिन यू कुड ब्रिंग इन एनिमेशन, यू कुड ब्रिंग इन साउंड. अब उससे आगे हम लोग बढ़ जा रहे हैं, जबकि तो कंप्यूटर का यूज, जैसे हम लोग तो हर एक क्लास में, मेरा तो पर्सनली हर एक क्लास में ही कंप्यूटर ही यूज करते हैं हम लोग, मीन्स आई कैन नॉट सी इट बींग डन एनी अदर वे, और 10 साल से यही करते आ रहे हैं. तो ये तो बहुत एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी, इसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रोजेक्टर्स वगैरह जो क्लासरूम में हैं डालने पड़ेंगे, टीचर्स को ट्रेन करने पड़ेंगे. तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, प्लस उसका एक और एडवांटेज कि बहुत सारा मटेरियल, बहुत वेल मेड मटेरियल आ जा रहा है. अब जब हम प्रोजेक्टर ने तरह में यदि हम क्लासरूम लगाते हैं, तो हम तो चाहेंगे कि 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टर लें डायरेक्टली, सो वी स्किप वन स्टेप एंड वी गो डायरेक्टली 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टर, जिससे कंटेंट जो है उसको बच्चा आसानी से समझ सके. मतलब मैं भी न्यूक्लियर फ्यूजन में रिसर्च करता था, और जापान में एक बार गया तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और वहाँ पर 3 डायमेंशनल उन्होंने वर्चुअल रियलिटी मॉडल बनाया हुआ था. तो मुझको लगा कि मैं एकदम अंदर जाके उसको आसानी से समझ सकता था, आई कुड टच एवरी पार्ट ऑफ इट, आई कुड फील एज इफ आई एम एक्चुअली इनसाइड दैट. तो वो फीलिंग हम ले आ सकते हैं, जिससे बच्चे जो कॉम्प्लेक्स चीज़ हैं वो समझ सकेंगे. तो हम चाहते हैं कि एक्चुअली वी शुड टेक दिस एज एडवांटेज, कि अभी चूंकि नथार्ड में इतना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो वी इम्प्लीमेंट इट समथिंग विच इज नेक्स्ट जनरेशन एंड नॉट गो थ्रू द सेम इंटरमीडिएट स्टेप्स. तो 3 डायमेंशनल प्रोजेक्टर ले आ सकते हैं, एंड वी कैन ट्रेन टीचर्स, वी कैन प्रोवाइड कंटेंट जो कि धीरे धीरे अवेलेबल हो रहा है, वी कैन कॉमर्शियली बाई इट एंड मेक इट अवेलेबल. तो सही है, उसमें एफर्ट करने से काफ़ी फायदा होगा. अगर डायरेक्ट हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है. राइट, क्योंकि क्या मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जब रिसोर्स, जब नागेंद्र ही बोल रहा है कि रिसोर्स की कमी नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़े. इसलिए हम लोगों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह में दिखाते हैं. जमशेदपुर में एक NTTF करके ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ट्रेनिंग के लिए हमारे कंपनी के अंदर सेटअप किया हुआ है, तो उसमें इस तरह की काफी चीजें हैं. पर मैं सोचा स्कूल लेवल के लिए थोड़ा ज्यादा हाईफाई हो जाएगा. बल्कि हम भी सजेस्ट करें कि हम लोग एक दो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट भी कर दें उस पर, एक दो ट्रायल क्लासरूम कर दें, जिससे कि हम लोग को पता चले क्या डिफिकल्टी होती नहीं होती, फिर आगे बढ़ेंगे. कम से कम जो साइंस का सब्जेक्ट्स है, बायोलॉजी हुआ या आपका फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ, हाँ केमिस्ट्री में जिससे बहुत सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हैं, हाँ, या बायोलॉजी में भी हैं, तो उसको यदि हम लोग दिखा पाते हैं, तो जो कंटेंट एक्चुअली स्पेशली जो मेन बिल्डिंग में जो थे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीन जो थिएटर थे, उनको इक्विप कर दें एटलीस्ट टू स्टार्ट, फिर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू द रेस्ट ऑफ द थिंग. अब आजकल तो ज्योग्राफी में भी बिकॉज ऑफ नो डिजिटल मैप्स और गूगल अर्थ और इस टाइप की जो है, तो एक्चुअली द होल टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी शुड बी चेंज्ड, शुड चेंज. तो इसलिए हमको उसको उस लेवल पर लाना पड़ेगा. उसके लिए हमको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब हो जा रहा है, तो नेचुरली वी हैव टू वर्क ऑन द कंटेंट, वी हैव टू वर्क ऑन द टीचर्स टू मेक दैट पॉसिबल. तब हमको लगता है कि नेताराट को हम लोग 2-3 साल में इस तरह से बना सकेंगे कि एवरीबडी एल्स विल लुक टुवर्ड्स इट रैदर देन लोग वहाँ पर मतलब भागना चाहें, ऐसा नहीं होना चाहिए. हम लोग को टीचर्स को भी डिजिटली इनेबल करने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि अभी ये बिल्कुल ही नॉन डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, और क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसको समझने के लिए उनको भी कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में जाके एक्सपोजर देना होगा जहाँ पे इन टेक्नोलॉजीज़ का लार्ज स्केल यूज़ हो रहा है, ताकि वो देख के. राइट राइट राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट. लेकिन मैंने देखा था अभी जब मैं 2003 में गया था, तो जब इंटरनेट और ये सब चलने लगा, तो टीचर सब भी कंप्यूटर खरीदने लगे थे पर्सनल. जी जी जी. तो उनमें भी उत्सुकता थी, और अभी भी मैं जैसे नेत्रहाट के कुछ पार्ट प्लेट जो घाट जो है ना, क्या मतलब हाट हाट वगैरह था, उस साइड में मोबाइल सिग्नल ठीक आता है, तो वहाँ पर जो लोग हैं उस साइड में, उनके घर में इंटरनेट चलता है. जैसे राजेश रमन है, हाँ, तो उसके घर में चलता है, तो कभी उसके साथ मैं वॉइस चैट भी करता हूँ. लेकिन फिफ्थ सेट के साइड में नहीं आता है सिग्नल, तो उधर से उन लोगों को प्रॉब्लम होता है. तो यदि मोबाइल मतलब इंटरनेट अवेलेबल हो जाए, तो टीचर्स को इम्प्रूव करने में उनको उत्सुकता तो है. और तो बच्चे भी आजकल बात करते हैं, कल भी बात करते हैं, और अभी जैसे एक उन लोगों ने निकाला है स्कूल का भी एनुअल
एक सदना कर मैगजीन निकाला, उसका जो लोग इलेक्ट्रॉनिक उसको चाह रहे हैं, मैं तो उसको फ्लिप बुक में बना के इंटरनेट पर डाल दूंगा तो उससे सेम थिंग जो आ जाएगा। तो बच्चे भी अभी आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और टीचर्स को ट्रेन करना तो जरूरी होगा, प्लस एक्सपोजर जो है जो तुमने बताया वो बहुत जरूरी है, वो तो इम्पोर्टेंट ही है, नहीं तो वो कूप मंडूक बन जाते हैं क्योंकि वो उसी दुनिया में रहते हैं। जी जी तो जी लेकिन उसमें वही कि कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, इंटरनेट पावर ये सब जो तुम लोग कर रहे हो, तो हमको लगता है कि एटलीस्ट ऑन पैरेलल वी कैन वर्क ऑन द प्लान्स। तो जी जब जी तक ये सब इम्प्लीमेंट हो जाए तब तक हम लोग का जो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्लान है वो दैट शुड तैयार बी हो रेडी। जाए। जी और उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्रीज का है उसको प्रोजेक्टर हम लोग थ्री डायमेंशनल में भी वी कैन स्टार्ट राइट अवे, उसका कंटेंट जो है वो हम ऑफलाइन भी जो सीडी वगैरह पर है उसको अवेलेबल करवा दें, तो जी जी उसमें जी इंटरनेट नहीं भी रहता है तो पावर रहता है तो दे कैन स्टार्ट यूजिंग, तो थोड़ा सा दे विल स्टार्ट गेटिंग यूज टू, तो बिल्कुल वो तो अभी हम लोग प्लान कर सकते हैं इमिडिएटली, बिल्कुल मे बी बाई यू नो 31 मार्च दिस दिस फाइनेंशियल ईयर, यदि पैसा है तो उसी में हम लोग कुछ कर दे सकते हैं। बिल्कुल। अजय आप लोग कुछ बोलिए। सर अभी ज्योग्राफी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन चल रहा था, मैं बड़े गौर से सुन रहा था इसको, और मैंने ज्योग्राफी से ही ऑनर्स किया सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची से। तो सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसा सुदर्शन जी भी कह रहे थे कि अगर ज्योग्राफी में हम डिजिटल ला दें, टेक्नोलॉजी ला दें, मैप को सीधा प्रोजेक्ट कर दें स्क्रीन पे, और टीचर्स या प्रोफेसर लेक्चरर जो भी हैं वो मैप ड्रॉ करना बंद कर दें या बच्चे ड्रॉ नहीं करें, तो सर बीइंग ए ज्योग्राफर मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत सारा मैप ड्रॉ किया है, एग्जामिनेशन में ड्रॉ किया है, क्लासरूम में मुझे प्रोफेसर बुला के और बोर्ड पे ड्रॉ कराते थे। दैट्स व्हाई आई नो कि कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सी जो है वो कैसा दिखता है और मैं एग्जैक्टली उसको ड्रॉ कर सकता हूँ। और सर जो एशिया है या रशिया जो भी है, यूरोप है, तो मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि भाई दिस इज रशिया और दिस इज कमचटका आइलैंड, उसके नीचे क्या है नहीं है। तो सर इसको मैप ड्रॉ करने से और डिजिटली टेक्नोलॉजी लाने से मुझे इसका कोई इंटर रिलेशन नहीं दिखता है। टीचर जो ड्रॉ कर रहे हैं या बच्चों से मैप ड्रॉ करा रहे हैं सर, वो एक क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी सर खत्म नहीं होना चाहिए, वो जो है उसका एक्सटिंक्शन नहीं होना चाहिए। बाकी आपने गूगल अर्थ की बात की, समझने के लिए ठीक है, गूगल अर्थ पे हम अच्छे से समझ सकते हैं, किसी चीज को 3D में देख सकते हैं, लेकिन सर इसके साथ जो मैप ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है वो सर बिल्कुल अलग है। वो एक लर्निंग, उसमें जो डेप्थ आता है लर्निंग का, वो सर हम डिजिटली मैप के रिगार्डिंग में उसमें बोल सकता हूँ विथ अथॉरिटी, बिकॉज सर मैंने ज्योग्राफी पढ़ा है। तो ठीक है सर, टेक्नोलॉजी वगैरह हम ला सकते हैं, उसको एड ऑन कर सकते हैं, उसको एज ए एड ऑन यूज कर सकते हैं, बट दैट कैन नॉट बी द ओनली मीन टू लर्न ज्योग्राफी। नहीं, ये लगता है थोड़ा सा मिस किए, मतलब कोई ये नहीं बोल रहा है कि सब कुछ सब्स्टिट्यूट कर दिया, लेकिन एज द टेक्नोलॉजी डेवलप्स एजुकेशन मेथोडोलॉजी डेवलप्स, ऐसा नहीं कि एक को हटा के पूरा दूसरा ला दिया, ऐसा भी नहीं है। तो देयर इज ए कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम, ऐसा थोड़ी कि हाथ से हम पेन से लिखना छोड़ दिए कंप्यूटर पर टाइप नहीं की वजह से, लेकिन मैं तो सर बहुत इट इससे शुड नॉट ऑल्सो भी, मतलब इसको हम फेज आउट भी नहीं कर सकते, मतलब इट शुड रिमेन एज इट इज, और जो टेक्नोलॉजी है उसको एड ऑन की तरह यूज करते रहें। इसको कभी भी हम जाके अगले 20 साल के बाद भी ड्राइंग को फेज आउट ना करें। ये देखिए, नहीं, वो देखो मैं तुलना तुलना करूंगा कि जैसे जी टेस्ट मैच है आपका, जी वनडे है, ट्वेंटी 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 आ ट्वेंटी गया तो थोड़ा ना वो टेस्ट मैच खत्म हाँ, हो ये जाएगा, सारी करेगी। चीजें कोएग्जिस्ट नागेंद्र जी, दिस इज मोर लाइक, मतलब ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, कौन रहेगा कौन जाएगा। नेवियर ओनली हम लोग यही ट्राई करें कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कैसे उनका तो माइंड क्या जाएगा, इट्स लॉन्ग टर्म प्रोसेस, एक दिन में तो कुछ चेंज भी नहीं होता है सब। ये कुछ लेकिन जैसे मैं होता बताता हूँ कि मैं जब 25 या कितने साल पहले किया था, मैं 25 26 साल पहले मैं पीएचडी जब लिखा था तभी मैंने थीसिस अपने पेन से नहीं लिखा था, तब भी मैंने कंप्यूटर पर ही टाइप किया था, एक भी चीज मैंने नहीं लिखा था, और अब मुझको ये प्रॉब्लम कि मेरी हैंडराइटिंग खराब होती जा रही है, लेकिन लेकिन अब मुझको ये इनफैक्ट कंप्यूटर पर लिखना मुझको आसान लगता है, मैं पेपर पर नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि पेपर में लिखता हूँ मुझको डर लगता है कि मैं एक लाइन लिखूंगा फिर दूसरा लाइन रॉन्ग ऑर्डर आ जाएगा। अभी अभी सर तो एक और भी चीज टेक्नोलॉजी के बता, साथ साथ हम भी आपने चेंज करते हैं। आपने सर ये बहुत काम की बात बताई, हम लोग सब कंप्यूटर पे मेल करते हैं, प्रपोजल्स बनाते हैं, एवरीथिंग वी डू ऑन कंप्यूटर,
अब सर इससे क्या क्या होता है कि हम एक लाइन लिखना शुरू करते हैं, हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होने लगते हैं, कुछ और होने लगता है, तो कई बार हमें लगता है कि क्या हमें कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज तो नहीं हो गया है, मतलब सर लिखने में फंबलिंग होती है लोगों को। सही है, सही है, लेकिन अब सवाल है कि ये तो देखो दुनिया बदलती ही रहती है, अब उसको हम रोक ले या कि उसके साथ जाकर हम उसको, एक हमारा पर्पस क्या है वो देखना पड़ेगा, लार्जर पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। ये तो कह रहे नहीं है, तो डिबेट की बात है, हम लोग शायद उसमें नहीं पड़े तो अच्छा रहेगा। नागेंद्र जी, दूसरा पॉइंट में रेज करना चाहता था, बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, जो हमारा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है। कुछ प्रीवियस मीटिंग्स में ये बात उठी थी कि लास्ट एंट्रेंस एग्जाम जब हुआ था उसमें 93 बच्चे बैठे थे, मेरी आवाज जा रही है आप लोग तक? अरे यार यार, हाँ, सो 93 बच्चे बैठे थे और हम सबको जानते हैं टाइम ऐसा था जब 20-25 हजार लोग बैठा करते थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर टेक्नोलॉजी का यूज हम देखें तो थोड़ा सा अच्छा हो ताकि जो इनपुट जो है वो कॉम्पिटेंट हो और डाइवर्सिफाइड हो, अगर टेक्नोलॉजी कुछ हेल्प कर सके उस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उस इनपुट पे जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जब भी उसको दे रहे हैं वो ज्यादा निखरता रहेगा अगर लोग अच्छे हैं। तो इस संबंध में कुछ प्रयास हो रहे हैं या फिर कुछ प्लान है या कुछ अपेक्षा है तो बात जानना चाहते हो? देखिए, मैं इसको जैसे आपने अभी कहा है कि हम लोग को पहले सबसे पहले ये देखना चाहिए कॉन्टेक्स्ट की किस कॉन्टेक्स्ट में हम ऑपरेट कर रहे हैं। जिस समय हम लोग, शायद आप भी आए होंगे स्कूल में, उस समय ऐसा था कि बाहर जो सो कॉल्ड पब्लिक स्कूल्स हैं वो ऑपरेट नहीं करते थे या बहुत कम थे। दूसरा, जो नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट शायद नहीं था क्योंकि 90 वगैरह में करीब करीब आया, केंद्रीय विद्यालयों का बहुत बड़ा नहीं था, CBSE स्कूल्स वगैरह इतने वाइड स्प्रेड नहीं थे, आज ये बहुत वाइड स्प्रेड है। तो एजुकेशनल मार्केट बहुत सिग्निफिकेंटली एक्सपैंड कर गया है। तो हम जब तक हम अपनी क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करेंगे शायद अट्रैक्ट हम नहीं कर पाए। दूसरा, ये जो हो गया कि पहले जितने भी स्कूल्स थे वो सभी रूरल स्कूल्स को कहा जाता था कि 5 अच्छे बच्चों को भेजिए और उनके बीच से कॉम्पिटिशन कराया जाता था। बाद में जब हमारे स्कूल की एग्जामिनेशन प्रोसेस पे थोड़ा स्टिग्मा हुआ तो ये हुआ कि भाई झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसको कराएगी। अब ये अपना फॉर्म संभवतः बेचने लगी डिविजनल लेवल या जो प्रमंडल स्तरीय कार्यालयों से, तो बहुत जो ग्रामीण क्षेत्रों के मेरिटोरियस बच्चे हैं वो शायद उनका एक्सेस डिफिकल्ट हो गया, कोचिंग स्कूल्स वाले डोमिनेट करने लगे। अब जब इन पे धरपकड़ होने लगी तो नंबर्स कम हो गए, मतलब कई सारे फैक्टर्स हैं और हम लोग इनको एक इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करके सब पे कोशिश। वहां पर जो है उसके इंटरेस्ट के लिए हजारों लोग लाइन लगा रहते हैं, 500,000 लोग आते हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से और टेक्निकल एस्पेक्ट से स्कूल की मार्केटिंग एसेट्स पे और स्कूल का ज्यादा प्रचार प्रसार हो, एक नोबा या नोबा के पेरेंट्स तक ही नहीं पहुंची ये बात, इनफैक्ट दूसरे लोगों तक भी बात की जाए कि देयर एग्जिस्ट स्कूल इन दरार विच है विच इज स्पैन टू स्क्वायर माइल्स एंड उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके अलमली जैसे हैं, तो शायद इंटरेस्ट जगह गिवन द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर। पॉइंट सही है, बट
अगर हम लोग सिर्फ जो हमारा अर्बन इलीट है, अर्बन मिडिल क्लास है, उस तक अपने को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो शायद हम जो गांव में छुपा हीरा है उस तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा मेन एम, क्योंकि देखिए शहरी लोगों के लिए तो हमेशा डीएबी डीपीएस और इस तरह के स्कूल उपलब्ध हैं, लेकिन गांव में जो है आज भी स्कूलों की स्थिति बहुत दयनीय है, और वहां पे जो अच्छे बच्चे हैं अगर उनको हम ला के नेताहाट जैसे सिस्टम से उसको इम्प्रूव कर सकें, अच्छा बना सकें, समाज के लिए उपयोगी बना सकें, तो वो एक्चुअल अचीवमेंट हम लोग का वहाँ पे है। और पॉइंट आपका सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना भी चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में बताना चाहिए, बट आई थिंक पीपल आर वाइज इनफ, दे नो व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स आर देयर एंड व्हाट एकेडमिक क्लाइमेट आर देयर, whether we tell it to them or not, they are able to discern, I think, and they also put a discount on the infrastructure and kind of put value on the level of teachers and teaching atmosphere. So my view is that we must concentrate on improving the academic climate in the school and simultaneously keep our efforts. जी जी, दोनों फ्रंट पे एक साथ अगर देख सके हम लोग करना होगा। जी एक और पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा था, समवॉट रेलेवेंट, कि पहले जब नेताहाट बना था और उस टाइम जो उसकी प्लानिंग हुई थी आश्रम वगैरह की, वो एक तरीके से सोचकर बनाया गया था। बाद में क्या हुआ, जहाँ तक मुझको याद नहीं किस साल में, जब 60 से 100 कर दिया गया, कभी लेट 70s में या कभी किया गया था, नेताहाट स्टूडेंट जब बढ़ा दिए गए, तो उस टाइम अचानक जो आश्रम थे उनमें काफी मूलभूत परिवर्तन लाया गया। जी, बरामदे, एक बरामदा बंद, बरामदा बंद कर दिया गया, मुझको याद नालंदा में बरामदा वो जो खेलने के लिए बच्चे टेबल टेनिस ये सब खेलते थे, प्लस वो अचानक उसको लॉक करके एक बीच में रूम खड़ा कर दिया गया, प्लस जो परिवर्तन कक्ष था उसमें बीच बीच में अलमीरे सब जबरदस्ती घुसा दिए गए, बेड वगैरह थे उनकी क्वालिटी अभी मैं देखता हूँ तो एकदम खराब हो चुका है, पहले एक जो अच्छा सा वुडन ये था उसके बदले में जो वो होता है ना कॉट, जो पोर्टेबल कॉट, फोल्डिंग कॉट, ये सब इस टाइप का चीज सब डाल दिया गया। जो सिंक हम लोग का था पहले था कि वो बड़े सिंक थे सिरामिक वाले, जी, उसमें एक सिंक दो सिंक तीन चार होता था, उसका एक कंसेप्ट था। जी, अब बहुत सारे आश्रम ने देखा वो सिंक को बदल के जो किचन में हमारा स्टेनलेस स्टील वाला होता है वो डाल दिया गया, अब वो छोटा सा है उसमें गर्म पानी गर्म नहीं रहता है, तो उसका जो पर्पस था एक प्लान के हिसाब से बनाया गया था उसको पता नहीं विदाउट मच थिंकिंग कॉन्ट्रैक्टर हो या जो भी हो जिसने भी हो, बीच बीच में पहले तो जो स्कूल बना था एक प्लान के हिसाब से एक थिंकिंग से बना था, वो जो पीडब्ल्यूडी का नॉर्मल कल्चर होता है बिना स्कूल के प्रिंसिपल को कंसल्ट करते हुए ये सब जो करता गया, आई थिंक उसके चलते प्रॉब्लम तो हुई है सर। अब स्कूल के लिए जो कमिटी है, कमिटी सोच के काम कर रही, तो आई शुड होप कि कुछ इम्प्रूवमेंट इसमें होगा। हाँ, मतलब मेन मेरा ये कहना था कि अब अभिभावक भी जो है वो थोड़ा सा जागरूक है सबके मामले में, और टू बी फ्रैंक जब तक मैं था मेरे जमाने में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी नहीं था और आश्रम सब जो पहला जो डिजाइन था उसके हिसाब से ही चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली मेरे जाने के बाद पता नहीं नेक्स्ट 5-6 इयर्स में काफ़ी कुछ चेंज हुआ, स्पेशली जब 60 से 100 हो गया और उस हिसाब से आश्रम नहीं बढ़ाया गया, 18 से 81 आश्रम हुए, उसमें अरुण आश्रम लगभग बंद हो गया था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी स्ट्रेस हो गया और उसके बाद तो काफी हालत खराब हो गई थी। मैं 2003 में गया था तो एकदम हालत खराब थी, 2004 तक थोड़ा सुधार हुआ लेकिन फिर वही हड़बड़ी में कुछ कुछ करके लोगों ने कर दिया है। तो अब क्या था, अभिभावक जाते हैं तो somehow दे फील कि क्या हम बच्चे को इसमें रखे कि नहीं रखे। अब हमारे जमाने में यह था कि हमारे पिता माता कभी नेत्रहाट गए ही नहीं देखने के लिए कि हम कैसे रहते हैं या क्या करते हैं। इनफैक्ट तो मैं, मेरे बड़े भाई दोनों पढ़ लिए लेकिन वो लोग कभी नहीं गए। लेकिन आजकल क्या है कि लोग तुरंत पहुंच जाएंगे, गाड़ी है, ये है, वो है, नजदीक में रहते हैं और जाके बच्चों पहले देखें कि कहाँ पर बच्चा रहता है, क्या हम रखें नहीं रखें, ये सब इशू आता है। इनफैक्ट मुझको ही, मेरी बेटी को हम लोग एक बार बनस्थली में डालना चाहते थे, मैं और मेरी वाइफ गए और मेरी वाइफ को लगा कि नहीं 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 यहाँ पर हॉस्टल वगैरह ठीक नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से पहले जो जो लिविंग कंडीशन है
उस पर ध्यान देना भी जरूरी होगा। मैं सर यही कुछ देर पहले पूछना चाह रहा था कि हम सब अपने हार्टियन बंधुओं के बीच एक सर्वे करें कि कौन कौन लोग अगर मौका मिले तो अपने बच्चों को नेत्रहाट में फिर से डाल के पढ़ाना चाहेंगे। सर मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल विल से इन नेगेटिव। आप सर ये सर्वे नेट पे करा सकते हैं, सारे हार्टियन से पूछिए, इमोशंस अपार्ट, अपने इमोशंस उसमें अपने जज्बात नहीं डालने हैं, फ्रेंकली बताना है कि क्या मैं अपने बच्चों को, आप अपने बच्चों को नेत्रहाट में भेजना चाहेंगे। तो मुझे सर एज ऑफ नाउ मुझे तो लग रहा है कि मैं तो नहीं भेजूंगा। मेरे ख्याल में अजय मैं एक पॉइंट उसमें ऐड करना चाहूंगा कि ठीक है नहीं भेजोगे तो क्यों नहीं भेजना चाहते वो भी आप बताओ। यही सर, अभी जो सर आप इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे थे, जब आपने कहा कि बेसिन ऐसे बदल दिए गए, जो भी वैल्यू सिस्टम किए गए थे उसको हम अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली उसको हम चेंज कर रहे हैं विदाउट हैविंग आवर विजन एंड नॉलेज। और उससे हम जो जैसे कि सीना सर ने वो उस चीज की वैल्यू या उसके एस्थेटिक्स को नहीं समझ रहा है, वो अपनी मर्जी से ही चेंज कर देता है। यही सर हमारा जहाँ पे हमारी कॉलोनी है ये है, इसको स्वीडिश लोगों ने बनाया था, क्योंकि ये एनएचपीसी वालों का प्रोजेक्ट स्वीडन के लोगों ने बनाया था, तो ये पूरी कॉलोनी सर स्वीडिश थी। तो आजकल क्या होता है कि स्वीडन वाले तो कमीशन करा के प्लांट को 97 में चले गए, अब जब इसका मेंटेनेंस करते हैं दे आर इंडियन पीपल, तो सपोज उनका जो मिक्सर सिस्टम था, गीजर सिस्टम था, अभी जब कुछ भी खराब होता है तो अब वो स्वीडन के बदले वो पता नहीं क्या लगा देते हैं और पूरे कॉलोनी का नक्शा उन्होंने खराब कर दिया है। तो जब आप नेत्रहाट के टर्म में बता रहे थे कि बेसिन ऐसे चेंज हो गए या बेड ऐसे चेंज हो गया या पहले क्लैम्प सिस्टम जो भी था, तो आजकल जो है हम जिस नेत्रहाट को जिए थे या देख के आए थे तो अनाप शनाप परिवर्तन होके जो है और वो मेटामॉर्फ हो गया, मतलब वो कुछ अजीब सी शक्ल उसकी होती जा रही है। मेरे ख्याल में जैसे प्रभात जी ने कहा क्वेश्चन वही पूछना चाहिए कि क्या होता तो हम अपने बच्चों को डालते। जी सर, तो वो ज्यादा रिलेवेंट है, नेगेटिव में तो हम लोग हमेशा आंसर सीख कर सकते हैं। आई थिंक लेट अस सीक पॉजिटिव। अभी एक राकेश भी ज्वाइन किया, राकेश अपना परिचय दे दिया। जी सबको नमस्कार, मैं राकेश दासो 1995 से 99 में था कन्वाश्रम में, माय बैचमेट राकेश। अच्छा अच्छा, आज दिख रहा है। और मैं अभी वर्तमान में स्टील अथॉरिटी में कलकत्ता में कार्यरत हूं। आप सुन रहे थे अभी तक का डिस्कशन की अभी जस्ट ज्वाइन करने के बाद ही सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन रहा था फिर अभी ज्वाइन किया। आप कुछ पूछना चाहते हैं नागेंद्र से? अभी तो फॉलो कर रहा हूँ, फिर थोड़ी देर में मैं एक्टिव ठीक है। तो अभी बेसिकली हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे नेत्रहाट को कैसे। तो नागेंद्र मैं जो अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं लिख कर नेक्स्ट एक दो तीन भेज देता हूँ और कम्युनिटी के साथ भी शेयर करें। और मेरे ख्याल में सर हम लोग को उसको एक लाइव डॉक्यूमेंट की तरह बना देना, डाल देना चाहिए, जो भी इसमें ऐड करना चाहे, अपना पॉइंट्स डालना चाहे सब डालें, ताकि हम सब लोग मिल के उसके एक महीना, लेट से एक महीना का टाइम दें, उसमें जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आए उसके बाद हम लोग फाइनल उसका ब्लू प्रिंट बना लें कि ये यही चीज़ हम लोग करेंगे, फिर उसका फिर कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब आगे करके हम देखेंगे। तो ऐसा करता हूँ, सिर्फ एक लाइन सर मैं कहना चाहूंगा, हम कोई भी चेंजेस को लाएं लेकिन नेत्रहाट के पीछे जो वैल्यू सिस्टम था, उसके जो विजन थे, वो उसमें सर बहुत डेप्थ था, तो सर हम उसको बनाए रखें हर चीज में, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में हो। ऐसा नहीं कि अगर हम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, अगर सर आश्रम हमारे वैसे बने हैं तो हम अगर चाहें कि आश्रम आज के डेट में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दें, तो पता नहीं उस तरह के बिल्डिंग का भी एक वैल्यू है, जैसे बिल्डिंग में हम रह चुके हैं, अगर हम उसके बदले वहाँ पे 10 स्टोरी बिल्डिंग का एक हॉस्टल क्रिएट करा दें, तो मुझे लगता है कि सर उससे भी जो एक उसका एस्थेटिक्स है नेत्रहाट का, वो कहीं ना कहीं मतलब मिस होगा। तो आप पॉइंट बिल्कुल सही कह रहे हो कि कोई भी बिल्डिंग, कोई भी लिविंग एनवायरमेंट सिर्फ स्पेस नहीं है, वो एक सर्टेन वैल्यू को एम्बॉडी करता है, और वो हम लोग को उस वैल्यू को नहीं चेंज करना चाहिए, जो कोर वैल्यूज संविधान भी कहा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं किया जाता, बट देयर स्ट्रक्चर्स व्हिच नीड टू चेंज विद टाइम, तो वो हमको देखना चाहिए। पॉइंट सही है आपका। एक पॉइंट, चूंकि ये आश्रम की बात आई तो मुझको दिमाग में आया कि पहले जैसे
normally by and large men used to work or women were you know housewives. तो वहाँ पर जो श्रीमान जी माता जी का कंसेप्ट था कि भाई ठीक है एक आश्रम में वो लोग रह रहे हैं परिवार की तरह रह रहे हैं, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब नॉर्मली वाइफ एंड हस्बैंड दोनों काम कर रहे हैं, तो उसके कारण एक अलग तरह की के परिवर्तन के बारे में सोचना चाहिए कि जैसे गिरिंद्र किशोर जी थे तो वो नेत्रहाट में काम करते, उनकी श्रीमती जी जो है वो हजारीबाग में इंदिरा गांधी स्कूल में काम करती थी, तो नेचुरली वो जो कंसेप्ट था उसको कंसिडरिंग कि अभी का सिचुएशन क्या है उसमें क्या परिवर्तन लाना चाहिए, जैसे कि जो हमारा जो वैल्यू सिस्टम था वो भी चेंज नहीं हो लेकिन जो आधुनिक परिस्थितियां हैं उसके संदर्भ में भी वो सही काम करे, ये भी एक सोचने की बात होगी। ये लास्ट टाइम भी नोबा राज्य में जो नोबा की मीटिंग हुई थी स्कूल डे के अवसर पे उसमें एक मुद्दा उठा था, केदार जी ने इस मुद्दे को उठाया था और डिस्कशन हुआ था, इनकंक्लूसिव रहा, बट पॉइंट सही है कि जो माता जी का स्नेह मिलता था बच्चों को अब टीनेज में मोल्ड करने के लिए वो स्नेह तो अभी निश्चित तौर पे कई जगहों पे अभाव हो गया है, एंड वी शुड सी हाउ इन व्हाट वेज वी कैन कॉम्पनसेट और शुड वी गिव आश्रम्स टू दोज टीचर्स हुज स्पाउसेस आर और माता जी जहाँ नहीं रह रही हैं, तो ये इशू है सर हम लोग के दिमाग में है। राइट। और कोई पॉइंट? प्रभात जी एक हमारा बैचमेट है सत्यम प्रियम, इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे यहाँ पर हमारे साथ में ही अभी सत्यम अपना परिचय। 95 में का है। हाँ जी नमस्कार आप सब लोगों को, मैं नमस्ते, नमस्ते। 95 से 99 बैच में किशोर आश्रम में था और रोल नंबर 365 था। अच्छा रोल नंबर है, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं याद। और सर ये राकेश है, इसका रोल नंबर 354 था। और राकेश मेरे आश्रम का भी है जी। तो सत्यम आपका कुछ कहना है? जी अभी मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था, एक्चुअली मैं देर से मैंने ज्वाइन किया तो सारे विषय से मैं अवगत नहीं हूँ अभी फिलहाल। नेत्रहाट को आप किस रूप में देखना चाहते हैं वो तो बता सकते हैं। जी बिल्कुल, इधर बहुत दिनों से मैं अपडेट नहीं था लेकिन अभी राकेश के संपर्क में होने के बाद मुझे कई ऐसी बातें पता चली जिससे कि सुनकर काफी दुख हुआ कि इंटर्न मतलब हम लोग की जो प्रवेश परीक्षा होती थी उसका स्तर अब कितना मतलब पहले के मुकाबले कितना डिटेरियोरेट हो गया है और मतलब क्रमशः ये स्थिति, जैसे हम लोग भी जब गए थे विद्यालय में तो हम लोगों ने सुना था कि अब विद्यालय जो है अपने अवसान की प्रक्रिया में है, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ से बहुत कुछ पाकर निकले और पहले के मुकाबले जैसा भी रहा हो लेकिन हम लोगों ने ये महसूस नहीं किया कि हम लोग डिटेरियोरेटिंग सिचुएशन में वहाँ पे गए। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगा, इस पॉइंट पर ऐड करना चाहूँगा, मैं भी नेत्रहाट से निकलने के बाद बहुत दिन तक हम लोग थोड़ा निराश ही रहते थे, सुनते थे कि ये खराब है वो खराब है। 2003 में मैं एक बार रांची गया और बाय द वे विनोद कुमार कर्ण मेरे अपने मामा भी थे, तो उस टाइम वो वाइस प्रिंसिपल थे नेत्रहाट के और नरेंद्र प्रसाद जी प्रिंसिपल थे, तो वो लोग दोनों रांची आए हुए थे, तो मैं किसी ऑफिशियल काम से गया हुआ था, तो रात में डिनर के बाद कर्ण जी से मेरी 3-4 घंटे तक बात हुई नेत्रहाट के बारे में और यही जैसे तूने बताया कि हम लोग को ये लगता था कि डिटोरिएट कर रहा है ये सब हो रहा है। उनसे बात करने के बाद मुझको ये अंदाज हुआ कि डिटोरिएशन जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है, ईंट और पत्थर में है, लेकिन जो एक कल्चरल सिस्टम है एजुकेशन सिस्टम है वो अभी भी उस टाइम की बात कर रहा हूँ। और उसमें 2003 में क्या समस्या हुई कि झारखंड बिहार अलग होने के कारण 3 साल तक एडमिशन नहीं हुआ था, दो मतलब 3 बैच एडमिशन ही नहीं हुआ था, तो पूरे स्कूल में बच्चे कम हो गए थे, हर एक आश्रम में 4-5-6 बच्चे थे, इस टाइप की हालत थी। और श्रीमान जी का ये चिंता था, कर्ण जी का उस टाइम, और वो प्रिंसिपल बनने वाले थे उस टाइम, सीनियर मोस्ट थे, तो उनकी ये चिंता थी कि हम कैसे कंटिन्यूटी मेंटेन करें कि बच्चे आएंगे तो उनका कुछ, जैसे पहले गुरु सिस्टम था हम लोग के टाइम में, एक साल सीनियर गुरु होते थे और एक कंटिन्यूटी होती थी उसके थ्रू वो कल्चरल और एजुकेशन सिस्टम चलता था, तो एक ब्रेक आने का चांस था। तो उनको बहुत ये था कि अब हमको 3 साल के बच्चों को एक साथ ही लाना है एक एक महीने के गैप पर,
तो उनको काफी चिंता थी उसके बारे में। मैं लेकिन उसके बाद मैं जब 2003 में ही दिसंबर में गया, मतलब मई में या जून में बात हुई उनसे, दिसंबर में गया, तीनों बैच आए हुए थे, तो समहाउ स्कूल हैड मैनेज टू कंटिन्यू दैट कल्चर। और मैं जब गया तो जो सबसे जूनियर बैच के थे इतने अच्छी कविताएं सुनाए, और इनफैक्ट 2004 में जब हम लोग गए गोल्डन जुबली में, तो नोबा जो 16 नवंबर को होता है नोबा दिवस, उसमें अंत्याक्षरी होता है कि करंट बच्चों और नोबा वाले से होता है एक अंत्याक्षरी होती है। तो जो सीनियर लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि ये बच्चे दो केवल गाना सुना दें 10, हम लोग हार मान लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो कल्चरल कंटिन्यूटी और एजुकेशनल कंटिन्यूटी है, तो बाकी जो नागेन जी सब काम कर रहे हैं हम लोग उसको वापस ला सकते हैं, निराश होने की जरूरत नहीं है। ये उतार चढ़ाव का फेज है और हमको लगता है कि हम लोग साथ मिलकर उसको अच्छा कर सकते हैं। एक और बात का जिक्र शिवान जी मैं करना चाहूंगा ना। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में था तो वहाँ पे दूसरे राज्यों के कई सहपाठी थे जिनको कि अंदाजा नहीं था कि नेतरहाट विद्यालय की क्या गरिमा है, और हिंदी विभाग में मैं था वहाँ पर। तो एक दिन अनायास ही वहाँ दिल्ली नोबा ने अपने नोबा दिवस के कार्यक्रम के ही अवसर पर अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का एक एडवर्टीजमेंट दिया, जो कि वहाँ हिंदी विभाग के सूचना पट पर लगाया गया। तो उस दिन मैंने अपने उन दोस्तों को बताया कि देखो ये नेतरहाट विद्यालय का, ये है मेरा विद्यालय, जिसकी मतलब एक अंत्याक्षरी प्रतियोगिता का एडवर्टीजमेंट दिल्ली विश्वविद्यालय के एमए हिंदी डिपार्टमेंट के सूचना पट पर लगा। शायद ऐसा कोई और स्कूल नहीं होगा जिसकी मतलब एक छोटी सी प्रतियोगिता का इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट हो रहा हो, उसकी गरिमा का राइट। अपनी। और मैंने इस वीडियो को हमने एक बार अंत्याक्षरी भी ऑर्गेनाइज किया था, हम लोग करेंगे भी। मतलब जो 1954 बैच के लोग थे और जो अभी जो नया एक बच्चा ज्वाइन किया नेत्रा, हम लोग सब बैठ के एक ही चीज एंजॉय करते हैं, जी वही कविता। मतलब एक कल्चरल कंटिन्यूटी है, उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मतलब हम छोटे हैं वो बड़े हैं, हम लोग जी सब एक साथ एंजॉय करते हैं। यही मैं नेत्रा का डीएनए इसको मानता हूँ, जो कि हम लोग के सबके अंदर। मैं अध्यक्ष में कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन अभी भी मैं सुनता हूँ कम से कम तो मुझको एंजॉयमेंट होता है। आई एम नॉट गुड इन राइटिंग, तो बहुत सारा ऐसा चीज हम लोग के कॉमन धरोहर है जो कि हम लोग शेयर करते हैं एंड वी एंजॉय डूइंग दैट। तो हमको उसको आगे भी ले जाना है, लेकिन जो आधुनिक जो परिस्थिति है उसको भी हम लोग को सामने लाना पड़ेगा। अभी विनोद तरुण भी आ गए हैं। विनोद, आवाज आपकी, विनोद हेलो सर। हाँ आपकी वीडियो नहीं आ रही है लेकिन आवाज आ रही है। हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। तो विनोद जी भी पावर सप्लाई साइड में हैं, अभी अजय भी पावर सप्लाई कंपनी से हैं, एक मतलब एक रिलायंस ग्रुप से हैं, एक इधर एनएचपीसी से हैं। तो विनोद आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आप सुन रहे थे कि अभी जस्ट ज्वाइन किए हैं? अभी सर जस्ट ज्वाइन किए हैं, अंताक्षरी के बारे में डिस्कशन चल रहा था। ये अंताक्षरी तो ऐड ऑन था, हम एक्चुअली स्कूल के डेवलप के बारे में जो नेत्रा विद्यालय राकेश में जी की, बता रहे थे, जस्ट सुन रहे थे। वो तो कह रहे हैं हम लोग लगभग एंड फेज में थे, लगभग टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन नागेंद्र ने काफी सारा कुछ बताया और वो काफी हर्षवर्धक है जो नेतरहाट विद्यालय समिति करना चाह रही है। हम लोग को सबको सहयोग देना चाहिए उसमें। आप इस वीडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी, आप इसको सुन लीजिएगा बाद में, और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग चाहते हैं कि सुशील जी भी ज्वाइन करें चीफ सेक्रेटरी इस फोरम पर, तो धीरे धीरे हम लोग इसको आगे बढ़ते जाएंगे। बट अभी हम लोग लगभग खत्म हो रहा है टाइम। कुछ नागेंद्र आप कुछ और बोलना चाहेंगे या कोई और कुछ बोलना चाहेगा? प्रभात जी, ये जो तरुण जी आए हैं इनका परिचय मिल जाए तो ठीक रहेगा हम लोग। सर मैं 1987 बैच का हूँ, विक्रम आश्रम में था मैं, और मैं वैशाली जिला से बिलोंग करता हूँ। नेत्रहाट के बाद मैं प्लस टू साइंस कॉलेज पटना से किया था मैंने, उसके बाद आईआईटी कानपुर में था मैं। 98 में मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद फिर मैं टेलीकॉम सेक्टर में था, आईटीआई लिमिटेड में था। फिर एमबीए करने के लिए आईआईएम लखनऊ से एमबीए किया मैंने 2006-2008 में, और अभी 2008 से मैं रिलायंस पावर में हूँ। कॉरपोरेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है इनका कॉरपोरेट में, उसी में हूँ मैं। बेसिकली शासन में हमारा पावर प्लांट आ रहा है, तो उसका कोल माइन साइड में देख रहा हूँ। सर पावर सेक्टर के लोग बढ़ते जा रहे हैं। वही तो मैंने कहा कि एक एनएचपीसी से है,
एक इधर कोल साइड से है तो बढ़ते जा रहे हैं, और नेत्रहाट में पावर की समस्या का लेकिन समाधान नागेंद्र अभी कर रहे हैं तो विनोद जी मैं एनएचपीसी से हूँ। जी सर, किस बैच से हैं सर? तुम लोग विनोद जी मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ, मैं 95-99 बैच से हूँ। अच्छा, 95 बैच शांति आश्रम। ये राकेश और सत्यम दिख रहे हैं स्क्रीन पे, ये दोनों मेरे बैचमेट हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग अभी ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, तो कुछ और ऐसा स्पेसिफिक नहीं, तो मैं चाहूंगा नागेंद्र कुछ बोलना चाहें तो लास्ट में वो बोल दें, सब लोग बंद करते हैं इसको। सर ये बहुत आपने बहुत बढ़िया फीचर स्टार्ट किया है, और आप जैसे एक स्पेसिफिक थीम लेके और स्पेसिफिक पर्सनालिटी लेके आप ये करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और आई होप कि हम लोग का ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी और इससे काफी लाभ होगा विद्यालय को। राइट, और ये चूंकि आईटी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी झारखंड के हैं और स्कूल से भी जुड़े हुए हैं, तो यदि पावर और आईटी का लिंकेज इम्प्रूव कर देते हैं तो हम लोग इस तरह से दुनिया में कहीं भी रहें फिर भी हम लोग स्कूल के साथ जुड़े रह सकते हैं और उसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर हमको लगता है कि डुमा कम्युनिटी में यदि हम पूछे तो एटलीस्ट 50% लोग ऐसे होंगे जो बोलें कि हम सप्ताह में 2 घंटा हम पढ़ाना चाहेंगे वहाँ पर, और यदि हमको फिजिकली नहीं जाना पड़े क्योंकि उसमें टाइम जो नहीं दे पाए, तो उससे हमको लगता है वहाँ का क्वालिटी में काफी इम्प्रूव हो जाएगा। और प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब काफी एक्सपीरियंस जो नोवा कम्युनिटी का एक्सपीरियंस है वो काफी वास्ट है और ग्लोबल एक्सपीरियंस हम लोग का है, तो उसको हम लोग, तो आप लोग जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, आप लोग ज्यादा इफेक्टिव हैं, लोकल हैं, आप लोग कमिटी में हैं, गवर्नमेंट पे हैं, तो हमको काफी आशा है कि, और इस फोरम से हम लोग जुड़ जा रहे हैं एक साथ। अभी कुछ दिन पहले तुबित जी आए, नरेंद्र भगत जी थे, आप हैं, अभी मनीष रंजन को भी मैं लाने वाला हूँ क्योंकि वो पलामू का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था तो उसको भी एक्सपीरियंस रहा है, सुशील जी को लाएंगे, नेत्रहाट के प्रिंसिपल्स को भी मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आगे हम लोग इसको यूज करेंगे, और जितने हम लोग ग्लोबली सेपरेटेड हैं लेकिन हम लोग थ्रू इंटरनेट जुड़ जा रहे हैं तो उससे नेत्रहाट को फायदा होगा काफी। सर जाने से पहले मैं वो बात प्रभात जी जो मैंने पहले कहा था ये कॉन्फ्रेंस होने से पहले वो ऑफ रिकॉर्ड रहेगा इसका नहीं मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा इस फोरम पे, अभी रिपीट नहीं करता, लेकिन सर थोड़ा ध्यान रखिएगा और कोशिश करिए कि राजेंद्र जी से मेरा कनेक्शन मिले ताकि मेरा जो काम एक पेंडिंग है छोटा सा। ठीक है ठीक है ठीक है, वो सर मैं आपसे बाद में ऑफ रिकॉर्ड इसके अलावा, ठीक है ऑफ रिकॉर्ड वो बात करेंगे वो, क्योंकि ये क्या है रिकॉर्डिंग हो जाती है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पब्लिक डिस्कशन हो जाता है, तो इसमें नहीं तुमको एडिट करना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट होता है जाके छोटे छोटे, इसलिए सर मैंने कहा मैं आपसे ऑफ रिकॉर्ड आपको मेल डाल दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, तो अभी बंद करें यहाँ पर सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है फिर, नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू नागेंद्र आए आप इसलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।